दोस्तों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों तो कौन इस हफ्ते बलि का बकरा बनेगा? दोस्तों बिग बॉस के घर से इस हफ्ते कौन होगा एलिमिनेट, कौन चला जाएगा? दोस्तों कौन जा रहा है भाई साहब? कौन? पांच लोग नॉमिनेट है, आपको पता है, जैसे मैंने बताया था पांच लोग नॉमिनेटेड है। क्यों, किस तरीके से है ये भी आपको पता है, कैसे मकड़ी के जाल में फंसा के नॉमिनेट किया गया था उनको। यहाँ पर विकी भैया का भी नॉमिनेट बनता था लेकिन बच गए थे वो विकी भैया इस बार, है ना। लेकिन बाद में दिमाग वालों के पास जो एक आया था कि वो किसी को भी डायरेक्ट नॉमिनेट कर सकते हैं, तो दिमाग वालों के पास ने बोला हम चाहते हैं कि वो मनस्वी को नॉमिनेट करे, है ना, और वो तड़पे। क्यों, दिस इज क्या दिया रीज़न? मनस्वी तड़पे। तड़पे किस चीज़ के लिए तड़पे यार वो, है ना। आप एक ऐसे प्राणी को मार रहे हैं जिसने बेचारे ने तालाब में छलांग लगाने के अभी तक लगा ही नहीं, छलांग लगाने के लिए तैरना सीख रहा था वो, सीख रही थी वो, है ना, छलांग लगा के तैरना सीख रही थी वो अभी तक, उस प्राणी को आप मार दिया आपने। चलो कोई बात नहीं, है ना। तो मुनावर टीम ने भी बोले कि उसको तड़पना पड़ेगा थोड़ा, है ना। तो हमारे पहाड़ी बॉय जो है उन्होंने बोला था एक दिन में पहाड़ी पहाड़ी हो गया उनका रिलेशन, है ना, पहाड़ी बॉय एक दिन में, है ना, हो गया था उनका, फिर ख़त्म। बोला उत्तराखंड उत्तराखंड ये वो करके, है ना, फिर उत्तराखंड की बातें, मनस्वी को बुरा लगा। और मनस्वी रही कितने 2010 की मिस इंडिया थी, है ना। तो अभी यहाँ पर बात है दोस्तों कि मैं ये बोलना चाहता हूँ, यह बिग बॉस के घर में कोई अपना स्टेट का कोई सगा नहीं होता। बिग बॉस के घर में क्या, बाहर के बात की मैं कर रहा हूँ, अगर कोई दूसरा बंदा दूसरे स्टेट से आता है और आपको लगता है कि आपका, जैसे कि आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हो कुछ काम करने या कुछ करने, या और आप जाके किसी अपने ही स्टेट के बंदों से मिलते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको हेल्प करेगा सक्सेस मिलने के लिए, क्योंकि बेचारा वो स्ट्रगल कर रहा है, घिस रहा है, उल्टा वो आपको क्यों हेल्प करेगा, है ना। तो ऐसा मनस्वी को थोड़ा वो लगा कि वो, मुझे पता नहीं, मनस्वी इतना स्मार्ट गर्ल है, मिस इंडिया है, एलए में 5 साल रही यूएसए में, फिर भी वो इतना जल्दी विश्वास कर लिया यूके राइडर को। अरे अपना स्टेट के लोग ही आज धोखा दे रहे हैं दोस्तों, अपने ही लोग, अपने ही देश के, अपने ही स्टेट के, अपने ही घर के लोग विभीषण है आजकल के दुनिया में। और मनस्वी थोड़ी पता नहीं क्या है यूके राइडर के जाल में कैसे फंस गए, यूके राइडर ने उल्टा बोल दिया उसको कि मेरे पहाड़ के वोट कट जाएंगे मनस्वी की वजह से। अजीब है ये लड़का, पता नहीं यूके राइडर पता नहीं क्या है उसका, पता नहीं वो तो शायद, पता नहीं मुझे जीतेगा भी नहीं यूके राइडर, मुझे नहीं लग रहा है वो बिग बॉस जीत पाएगा इस बार, क्योंकि अंकिता और मुनावरी टॉप टू में है मेरे लिए, तो मैं तो अंकिता और मुनावर को ही वोट करूंगा। तो एक ऐसे प्राणी को आप मार रहे हो जो तालाब में अभी तक छलांग ही नहीं लगाया और तैरना भी नहीं सीखा, जैसे कि मैं भी रेडियोथेरेपी में आने वाला था, मुझे पॉलिटिक्स करके निकाल दिया, कोई बात नहीं। चलो तो सना जो है वो स्टार्टिंग में लग रहा था वो निकल जाएगी, लेकिन जब वो आगे बढ़ रही थी, वो सना का क्या है, वो जब नॉमिनेट होती है तो खुल के आती है ना, तो स्टार्टिंग में उनको ही लगा था सना जाएगी, लेकिन नहीं, सना नहीं जाएगी दोस्तों, क्योंकि बिग बॉस के मेकर्स भी चाहते हैं कि यहाँ पे अगर कोई विकी और अंकिता के खिलाफ बोल पा रही है, आवाज़ उठा पाती है बुलंद, तो वो है सना और कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, और एक अरुण शेट्टी हमारे सारा दिन हैदराबादी बिरयानी खा के सोते रहते वो, है ना, और एक है तहलका भाई, उनको भी वोट आ रहा है, वो नहीं जाएंगे। तो यूके ने, यूके राइडर जो है उनका भाई बहुत ज़्यादा होने वाला है बहुत कुछ, उनको तो हर कोई पेल के चले जाते हैं, सलमान सर भी, बिग बॉस भी, बाहर से कृष्णा अभिषेक भी बोल, उनको बोल रहे थे आपका फ़ोटो हर कैमरा पे लगा दीजिए, आप दिख नहीं रहे। तो वोटिंग ट्रेंड यही बोल रही है, मनस्वी जाएगी दोस्तों, उनका मे भी चला नंबर आ जाए, और अगर वोटिंग नहीं हुआ तो कोई नहीं जाएगी, और अगर वोट एलिमिनेट इविक्शन हुआ तो मनस्वी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मनस्वी आउट हो जाएगी, और इस हफ्ते तक वही है, डबल एलिमिनेशन हुआ तो सना मनस्वी दोनों, अरुण शेट्टी नहीं जाएगा, अभी उसका वोट आ रहे हैं ना। तो यही है दोस्तों आज का, ज़्यादा कुछ है नहीं। थैंक यू भाई, चलिए चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, और इविक्शन जब होगा मैं वीडियो लाऊंगा तुरंत, मैं आपको अपडेट दूंगा इसी चैनल पर, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल।